हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए 0 0 बी, वेयर ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर। देन यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ए बी की वैल्यू हम लोग निकालें यानी कि ए की मल्टीप्लाई करें बी में, तो हमें कितना मिलेगा? देखिए, ये दे रखा है ए, तो रो बाई कॉलम। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहां पर ए यहां पर आ जाएगा 2b, यहां पर मिलेगा 3a और यहां पर मिलेगा 4b। ठीक है, ये आ रही है ए बी की वैल्यू। अब अगर हम बी ए निकालते हैं तो बी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? अब हम इसको पहले लिख लेंगे, यानी कि पहले बी लिखें फिर ए लिखें, तब हमें बी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? ए टू ए यहां पर आ जाएगा 3b और 4b। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ रही है, ये बी ए की वैल्यू आ रही है। तो ए बी और बी ए कब इक्वल हो सकते हैं? देखिए, ए बी की वैल्यू ये है, बी ए की वैल्यू ये है, तो ए बी और बी ए तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू बी के लिए भी एक कंडीशन होगी कि इनफाइनाइटली मैनी बीज हो सकते हैं जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी बीज सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।